बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है इंजीनियर सलमान और आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज आपको एक अपने 5 किलोवाट सिस्टम की कंप्लीट इंस्टॉलेशन की डिटेल में आपको दूंगा। हमने यहाँ पे 5 किलोवाट का सेटअप यहाँ पे लगाया। यहाँ पे कुछ 10 पंखे हैं इनके पास और 2 DC इन्वर्टर हैं, एक टन का और 1.5 टन का। यहाँ पे वापडा जो है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, 1 घंटा बिजली होती है और 1 घंटा नहीं होती। अभी टाइम है तकरीबन 12 बजे का और ये पैनल जो हमने लगाए हैं ये तकरीबन 535 वाट के कैनेडियन बाईफिशल पैनल है, ठीक है, ताकि इनको सर्दियों में भी अच्छी खासी प्रोडक्शन जो है वो मिल सके। तो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे हम लोगों ने 10 पैनल लगाए हैं और स्ट्रक्चर जो हमने यूज़ किए ये 14 गेज गैल्वनाइज स्ट्रक्चर हम लोगों ने यूज़ किया है। इसमें तो L2 टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे 14 गेज का इस्तेमाल किया गया है और गैल्वनाइज है, मतलब जितनी भी बारिश हो जाए, पानी इसको लगे, इसको जंग नहीं लगता क्योंकि ये हार्ड डिप में आते हैं हमारे पास और ये रस्ट फ्री होते हैं। जो वायर हमने यूज़ की है 5-5 पैनल को हम लोगों ने यहाँ पे पैरेलल की और 6 mm की जो टिन कॉपर की केबल है वो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की है। और आप देख सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पे वायर है वो सारी की सारी हम लोगों ने फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर डाली हुई है और क्लैम्प्स लगाकर उसको बिल्कुल जो है हम लोगों ने वहाँ पर बिल्कुल क्लैम्प्स के ज़रिए से इसको पूरी तरह से कंट्रोल किया ताकि किसी किस्म के भी हैज़र्ड से ये जो है ये बच सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम अभी 1 बजे है और आपका जो सोलर पैनल है वो बिल्कुल सन के बिल्कुल उसको फेस कर रहा है। थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि हम लोगों ने इसको 12 बजे के ऊपर सेट किया हुआ है। 12 बजे के टाइम ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। नीचे अगर आप वायरिंग देख लें तो वहाँ पे हम लोगों ने MC4 कनेक्टर्स को यूज़ किए हुए, कोई हम लोगों ने वो लोकल जॉइंट्स नहीं लगाए हुए। MC4 कनेक्टर इसलिए यूज़ करना अच्छा होता है कि वो आपको फ्यूचर में लॉसेस से बचाते हैं और उसके टूटने का ख़तरा भी नहीं होता। एंगल जो इसका हमने रखा हुआ है वो तकरीबन 20 डिग्री रखा हुआ है। बहुत सी कंपनियाँ तकरीबन 10 या 15 डिग्री रखती हैं। उसकी वजह ये है 20 डिग्री रखने का कि सर्दियों में भी यहाँ पे बिजली नहीं होती तो इनको सर्दियों के टाइम भी, सर्दियों के दिनों में भी इनको एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के साथ पैनल काम करते हुए मिले। इसमें हमने टेस्ला का HJD 2021 मॉडल का इन्वर्टर यूज़ किया है। बैटरीज हमने ट्यूबलर ओसाका की यूज़ की है, 2500 तकरीबन 230 AH की बैटरी है। प्रोटेक्शन डिवाइस आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे इस टाइम वाटर को बिल्कुल बंद किया हुआ है, किसी किस्म की बिजली इनकी इस्तेमाल नहीं हो रही और आप यहाँ पे आके लोड भी देख सकते हैं और प्रोडक्शन भी देख सकते हैं। इस टाइम लोड हमारा चल रहा है तकरीबन 3518 वाट और हमारी प्रोडक्शन 3600 वाट तकरीबन वो दे रहे हैं। बैटरी इस टाइम 100% चार्ज है। अगर बिजली चली भी जाए और धूप भी ना हो तो फिर भी इतना ज़्यादा बैकअप है कि हम उनके सारे घर के लोड को काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चला सकते हैं। Thank you.